आपको विवाह फिल्म का वो सीन जरूर याद होगा जिसमें प्रेम अस्पताल में ही पूनम से शादी कर लेता है। कुछ ऐसा ही बिहार के गया में भी देखने को मिला, जहां एक जोड़े ने अस्पताल में अनोखी शादी रचाई। आखिर क्या थी वो वजह जिसके चलते अस्पताल में ही शादी करवाई गई, हमारे इस रिपोर्ट में देखिए। माँ अस्पताल के बिस्तर पर आखिरी सांसें ले रही थी। बस एक ख्वाहिश थी कि सांसों की डोर टूटने से पहले अपनी लाडली के हाथ पीले होते देख ले। फिर क्या था, परिजनों ने बेटी के मंगेतर को बुलाया और अस्पताल में ही शादी रचा दी। सुनने और दिखने में ये भले ही कोई फिल्मी सीन लग रहा हो, लेकिन ये गया की घटना है। गया में एक निजी अस्पताल में अनोखी शादी हुई। दरअसल गुरारू प्रखंड के बाली गांव की रहने वाली पूनम कुमारी वर्मा लंबे समय से बीमार थी, जिसके बाद परिजनों ने उसे अस्पताल में भर्ती करा दिया। दिन ब दिन उसकी हालत खराब होती गई। पूनम कुमारी अस्पताल के आईसीयू में कई दिनों से भर्ती थी। डॉक्टरों के मुताबिक पूनम के पास ज्यादा समय नहीं था। इस बीच पूनम ने अपनी बेटी की शादी देखने की इच्छा जताई। बेटी की शादी पहले से ही सुमित गौरव के साथ तय थी, लेकिन मां मरने से पहले अपनी बेटी की शादी देखना चाहती थी। ऐसे में मां की इच्छा को पूरा करने के लिए परिजनों ने दोनों की शादी तय तारीख से एक दिन पहले ही करवा दी। चूंकि पूनम अस्पताल में ही भर्ती थी, इसलिए शादी भी अस्पताल में ही हुई। शादी के बाद बेटी और दामाद ने मां के पैर भी छुए और आशीर्वाद भी लिया। इस शादी को देख अस्पताल में मौजूद सभी लोगों की आंखें नम हो गईं। वहीं शादी पूरी होने के सिर्फ 2 घंटे बाद ही पूनम ने दम तोड़ दिया। बता दें कि पूनम कुमारी वर्मा मगध मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में ही ANM के पद पर काम करती थी और कोरोना काल से ही लगातार बीमार चल रही थी। गया से अजीत कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ स्टेट, बिहार, झारखंड।